ये है हमारा MCQs का सीरीज, और इसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का MCQ है ये, और इसके भी 4 to 5 लेक्चर्स होंगे। देखते हैं कितने लेक्चर्स बन पाएंगे या कितने MCQs हो पाएंगे। तो कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी इसमें मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ये थ्योरी वाला है, न्यूमेरिकल वाला है। मिक्स क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि रिलेटिविटी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो कैलकुलेटर, जब भी रिलेटिविटी का आएगा MCQ, तो प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ करिए, साथ में रखिए। कौन से MCQ में ज़रूरत पड़ जाए कैलकुलेटर की नहीं पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड फॉर ऑल वेलोसिटी, ट्रू और फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है। सभी वेलोसिटी के लिए ट्रू और फॉल्स बताना है। और आपके ऑप्शंस देख के मैं समझ गई हूँ, मैक्सिमम सबको ही पता था ये फॉल्स ऑप्शन है। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सिर्फ लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होती है, ऑल वेलोसिटी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथर इज डैश मीडियम आइसोलेटेड ऑल प्रिवेंटिंग बोथ एयर एंड ऑन अर्थ। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन जो है आपका टेस्ट में भी आया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया है। तो आज आपको इसका सही आंसर पता लग जाएगा। यस, ईथर इज ऑल प्रिवेंटिंग मीडियम, मतलब क्या होता है, चारों तरफ फैला हुआ है। मैंने बताया अभी था स्पेस में ऑक्यूपाइड है, हर जगह है। तो ऑल प्रिवेंटिंग इसका ऑप्शन है ना, तो ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड और प्रिवेंटिंग तो नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और एयर भी नहीं है अर्थ पर, आइसोलेटेड नहीं है, बोथ नहीं है, एयर ऑन अर्थ भी नहीं है। तो ऑल प्रिवेंटिंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन फिनोमेना इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्जन। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया, या उसमें कौन सा फिनोमेना होता है, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बन जाते हैं। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या फ्रिंज शिफ्ट फिर बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू, वेलोसिटी इज इनवेरिएंट एंड एक्सीलेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी इज इनवेरिएंट एंड एक्सीलेशन इज वेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सीलेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सीलेशन इज वेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको पता है कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, तो यस, आप इसका करेक्ट ऑप्शन देंगे। और इसका करेक्ट आंसर है यस, सी ऑप्शन, वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सीलेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ये प्रूव भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द केस ऑफ वी इज वेरी वेरी लेस देन सी, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सवेल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लैंक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शंस हैं, पता लग गए हैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है, और मुझे पता है इसका सही आंसर आना भी शुरू हो गया होगा। सब इजी क्वेश्चन है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेम किसके जैसा है, अगर वी लेस देन सी है, वेरी वेरी लेस देन सी है। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी इज वेरी वेरी लेस देन सी पर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस इनटू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तभी हम कहते हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल वेलोसिटी पे एप्लीकेबल है, जबकि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल है। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ट्रू और फॉल्स। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। और टाइम स्टार्ट हो गया है, साथ में ऑप्शंस भी आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स में डिसाइड करना है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को प्रूफ करता है कि नहीं, इसी बात को यूज करके तो किया था। तो यस, ट्रू, आइंस्टाइन सेकेंड पॉसिबिलिटी को
जो था वो यही था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इंडिपेंडेंट है सोर्स और ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करती है, कंसिस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। लाइट प्रोपोगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ईथर हैज नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कॉन्स्टेंट। सो टाइम स्टार्ट्स। तो कंक्लूजन्स तो दो तीन थे लेकिन जो मेन कंक्लूजन आया था वो ईथर हैज नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी आया था। ईथर डिटेक्ट नहीं हो पाया था ये पता लगा था, ठीक है, माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद फिर कि लाइट जो है कॉन्स्टेंट यूज करनी है ये भी आया था, बट उससे पहले आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स भी आ गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज इन माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट वॉज टेलीस्कोप, प्लेन ग्रेटिंग, इंटरफेरोमीटर, प्रिज्म। हाँ ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ टर्म्स ऐसी लग रही होंगी कि हाँ ये भी यूज होता है ये भी यूज होता है, बट मेनली क्या डिवाइस यूज होती है माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में। सी ऑप्शन करेक्ट है, इंटरफेरोमीटर। तो इंटरफेरोमीटर आर मेजरिंग द इंटरफ्रेंस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव। इट गिव्स वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। इट इज ड्यू टू दिस पर्पज दैट इट वॉज यूज इन माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट सो एज एबल टू मेजर फ्रेंडशिप। तो इससे हम शिफ्ट फ्रेंडशिप मेजर करना चाह रहे थे दैट अकर वैन लाइट प्रोपोगेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इंटरफेरोमीटर यूज होता है। टेलीस्कोप तो ऑब्जर्व करने के लिए था बट वो माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट की डिवाइस नहीं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन लॉरेंजियन रिलेटिविटी इफ टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस फॉर वन ऑब्जर्वर दे विल साइमल्टेनियस फॉर ऑल अदर ऑब्जर्वर एज वेल। ट्रू और फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अगर आपने रिलेटिविटी अच्छे से पढ़ी है और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे रिलेटिविटी के वो भी अच्छे से किए हैं तो ये वाला आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। इट इज फॉल्स ऑप्शन। अगर एक फ्रेम में इवेंट साइमल्टेनियस है दूसरे फ्रेम में जरूरी नहीं है कि वो साइमल्टेनियस होगा, ठीक है, हमने प्रूव भी किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शिफ्ट वॉज एक्सपेक्टेड इन माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट। 0.01, 0.02, 0.03 एंड 0.04। वैसे तो देखा जाए ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बट ये याद ही हो जाता है करते करते माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में। तो यस आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता होगा और आप सही आंसर कर रहे होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है, 0.04 शिफ्ट हमें एक्सपेरिमेंट मिलना चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था बट हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ इतना फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन प्रोड्यूस बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर कॉल्ड इक्यू इंक्लाइनेशन फ्रिंजेस, माइकलसन फ्रिंजेस, हेडिंगलर फ्रिंजेस और मॉर्ली फ्रिंजेस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में या माइकलसन इंटरफेरोमीटर में उनको क्या बोलते हैं जो इक्वल इंक्लाइनेशन पे होती हैं, ठीक है। इन फ्रिंजेस को बोलते हैं हैंडलिंगर फ्रिंजेस। ये कोसेंट्रिक सर्कल जैसे न्यूटन रिंग में सर्कल दिखाई देता है उसी तरीके से ये सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं। तो एक्सपेरिमेंट भी है वर्चुअल लैब में, आप जाके वहाँ पे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट है वर्चुअल लैब में, तो वहाँ आप देखेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, हेडिंगर फ्रिंजेस बोलते हैं उनको।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हेन अ मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज शिफ्टेड थ्रू 0.0589 mm, 200 फ्रिंजेस क्रॉस द फील्ड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? 5,890 एंगस्ट्रॉम, 5,245 एंगस्ट्रॉम, 4,965 एंगस्ट्रॉम, 6,894 एंगस्ट्रॉम. थोड़ा सा इसके लिए टाइम दे देती हूँ कैलकुलेशन करने के लिए. वैसे मुझे पता है अभी आपको इसका फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो जो भी आ रहे हैं वो गैसेज ही आ रहे होंगे. ठीक है, और टाइम स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे. थ्योरी में नहीं कराया था क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अगर आता है तो उसमें नहीं आता है ये, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है. तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 5,890 एंगस्ट्रॉम. और करने का तरीका ये है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. ये डी दिया है आपका, और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो 5 या 0.0 से लिख लेते हैं, 0.0589 × 10⁻³ मीटर. एमएम को जब मीटर में चेंज करेंगे, ये एन दिया है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है, वेवलेंथ पूछा है क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है 2d/n. तो 2 × 0.0589 × 10⁻³/200. तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा ए. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ थिन प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ वन इंटरफेयरिंग बीम ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, अ शिफ्ट ऑफ 30 फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व्ड. इफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 0.018 mm, द वेवलेंथ ऑफ यूज लाइट इज. ऑप्शंस आर 4,000 एंगस्ट्रॉम, 5,000 एंगस्ट्रॉम, 6,000 एंगस्ट्रॉम एंड 7,000 एंगस्ट्रॉम. तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है, ये भी नहीं कराया था, बट जब कोई थिन ग्लास प्लेट इंसर्ट करते हैं किसी इंटरफेयरिंग बीम में तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होता है, ये आप इंटरफेरेंस में 12th में पढ़कर आए हुए हैं, तो वो फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पर. तो क्या क्या गिवन है, म्यू गिवन है, सॉल्व करिए, फ्रिंजेस एन गिवन है, थिकनेस प्लेट की टी गिवन है, और क्वेश्चन में लैम्डा पूछा है. ठीक है, एमएम को आप यहाँ पे मीटर में भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁵ मीटर. तो टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, सॉल्व करिए. उसके आंसर बताने के बाद मैं आपको बता दूंगी इसका सॉल्यूशन. तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 6,000 एंगस्ट्रॉम. और फॉर्मूला यूज करते हैं जब कोई थिन ग्लास प्लेट हम रिड्यूस करते हैं तो जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है 2 μ − 1 t. ठीक है, और पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम कंडीशन के लिए किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा. ये पार्ट डिफरेंस है 2 μ t, 2 − 1 t इक्वल टू एन लैम्डा. तो यहाँ वैल्यूज रखिए और इसको सॉल्व करिए तो लैम्डा इक्वल टू 6,000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्स. ये जो फिगर दिया है आपको, इसमें यहाँ पे ये एक्स क्या है, सिल्वर्ड मिरर, थिन शीट, सेमी सिल्वर्ड मिरर और फ्लोरोसेंट स्क्रीन. तो अगर आपने माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये जो एक्स है इसका क्या रोल है और यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है. ये सोर्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर M1 और M2 है, एक डिटेक्टर है जिसमें हमने टेलीस्कोप जो फिट कर रखा था, और एक्स क्या है. यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सेमी सिल्वर्ड मिरर. तो एक्स जो है सेमी सिल्वर्ड मिरर है और ये क्या काम करता है, लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, रिफ्लेक्टेड बीम और ट्रांसमिटेड बीम से. जो लाइट इस पे सोर्स से इंसिडेंट होती है वो 2 पार्ट्स में मूव हो जाती है, एक मिरर M1 में और M2 में.
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तो एंड पे आ गए हैं हम आज की वीडियो में, और आपने काफी अच्छा किया सब लोगों ने। कुछ लोगों को भी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करती रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन तक के न्यूमेरिकल्स रखे थे। नेक्स्ट में ऐसे ही हम जो है पूरा यूनिट का एक साथ नहीं रख रहे हैं, टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। जो पीछे रहते जाएंगे और मुझे मिलेंगे वो भी मैं इंक्लूड करूंगी, बट 2 to 3 टॉपिक्स हम लेके ही चल रहे हैं जो वीडियोज हैं इसमें। पूरा सिलेबस एक साथ से नहीं रख रहे, रिलेटिविटी में पार्ट्स में रख रहे हैं। और आपने सबने अच्छा किया, अच्छा रहा आज का सेशन भी। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।